जनपद सिद्धार्थ नगर की बांसी तहसील क्षेत्र के जिगनी हवा चेतिया होरिलापुर मार्ग के निर्माण को लेकर आज ग्रामीणों ने बांसी इटवा सड़क को जाम किया। रोड बनाने को लेकर ग्रामीणों में बहुत रोष व्याप्त था। आपको बताते चले, यह सड़क विगत कई वर्षों से टूटी है और बड़े बड़े खतरनाक गड्ढों में तब्दील है, जिसको लेकर लिए ग्रामीणों ने जिगनी हवा चौराहे पर बांसी इटवा मार्ग जाम किया। साथ ही क्षेत्र विधायक व सांसद को लेकर जमकर की नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को काफी समझाया। ग्रामीणों को उग्र देखकर पुलिस प्रशासन ने तत्काल एक दर्जन से अधिक लोगों को मौके से पकड़कर संबंधित थाने में भेज दिया। बाद में पहुंच एसडीएम ने बताया इस सड़क के लिए सर्वे कराया जा रहा है तथा जल्द ही इस सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। हाँ, ये जिगनेवा चेतिया मार्ग है तो थोड़ा खराब है, जिसका सर्वे पूरा हो गया है और बरसात बाद इस पे निर्माण शुरू हो जाएगा। इसी को खराब की स्थिति, रोड के खराब स्थिति होने के कारण कुछ लोग धरना प्रदर्शन करने का प्रयास किए थे, जिनको हटा दिया गया है और यही साहब भी यहाँ पे हैं और तत्काल इसका जो है उनके द्वारा जो है ज्ञापन ले लिया गया है, उस पर निर्माण शुरू हो जाएगा बरसात बाद। बरसात में वहाँ चलना दूभर है, लोगों का कहना अगर गड्ढा भी थोड़ा सा भरा जाए तो। बिल्कुल सही बात है उनका, जो है रास्ता बहुत खराब है क्योंकि कई बार जो है एम्बुलेंस कहीं फंस जाता है, लेकिन उसमें जनपद सिद्धार्थ नगर का थाना गोढोरा है जहाँ पर जिगनेवा से चेतिया की तरफ एक सड़क मार्ग जाता है, वो पहले काफ़ी अच्छा बना था, अभी इधर विगत दिनों वो टूट गया है, उसके कई जगह पे जल भराव है। तो उसको लेकर के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी रोड जाम की, जिसके दृष्टिगत वहाँ पर भारी पुलिस बल लगाया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी और एसडीएम वासी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे और उनके द्वारा जो है लोगों को समझाया बुझाया गया तो सभी लोग वापस चले गए थे। उसके बाद कुछ उपद्रवी तत्व आकर के और अकस्मात उनके द्वारा पथराव किया गया, जिससे दो तीन गाड़ियों को कुछ क्षतिग्रस्त किया है और दो तीन हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको मामूली चोटें आई हैं, तो उनको वहां पर हटा दिया गया है सभी को और लगभग एक से डेढ़ दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की जा रही है, इसमें विधिक कार्रवाई की। जैसे सर वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो जहाँ से पथराव हुआ, क्योंकि सामने से गाड़ी थी, तो सीसीटीवी कैमरे से कब तक खंगाला जाएगा, कौन कौन लोग पथराव किए हैं? हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं क्योंकि हमारी जो पुलिस बल थी उसने बॉडी वॉर्न कैमरा भी पहन रखा था और हमारा जो थाने का मीडिया सेल था उसने लगातार रिकॉर्डिंग किया है, सभी साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं और इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।